अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद। उम्मीद है सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं वीडियोस के अंदर। आज हमारे साथ मौज़म भाई भी हैं। जो लोग हमारे सेटअप के ऊपर आते हैं उनको पता है कि मौज़म भाई यहाँ पे जो हैं वो होते हैं, सारे काम ही संभाल रहे होते हैं। और आज की वीडियो इतनी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि हम मौज़म भाई के घर जा रहे हैं। मौज़म भाई का जो घर है वो इट सेल्फ एक कह लें चिड़ियाघर है। वहाँ पर तकरीबन काफ़ी तरह के जानवर परिंदे चरिंदे हैं, तो उनको जाके देखेंगे। और आज क्लिनिक ऑफ था, हमारा डॉक्टर साहब नहीं थे, तो हमने सोचा हम फ़ायदा उठाएं और मौज़म भाई की तरफ जाएं। बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं इनके पास, डॉग्स हैं, बर्ड्स हैं और शामू वगैरह भी है, कोई परिंदे शिंदे, काफ़ी सारी चीज़ें जाके देखते हैं। और जाने से पहले जो पहले तोते लिए हुए हैं वो दिखाते हैं। शुक्र है अल्लाह का कि वो चारों के चार ठीक हैं, आपको पहले वो चेकआउट करवाते हैं। लें जी, माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सेट होना शुरू हो गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। अभी तक तो माशाल्लाह से सारे ठीक ठाक हैं। चलें चलने दें, फिर मौज़म भाई की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मौज़म भाई के घर में क्या क्या चीज़ें हैं। ले जी, आप अपनी जान के ऊपर खेल के इस टाइम हम व्लॉग बना रहे हैं, तो लाजमी मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं और लाजमी सब्सक्राइब कर दें, इससे पहले हम बच जाएँ। हम ये वाला जो सीन है कट ऑफ करने लेकिन सब्सक्राइब लाजमी करना, अपनी जान के ऊपर खेल के बनाया ये वाला शॉर्ट लाजमी। तो ले जी, हम मौज़म भाई के घर आ चुके हैं और ये मौज़म भाई के बड़े भाई हैं जो ज़्यादा टाइम जो है वो अपने एनिमल्स के साथ गुजारते हैं। ये इनके पास कितने, बल्कि आप खुद ही बताएं आपके पास कौन कौन से जानवर हैं। वैसे तो मैंने शुरू में क्लिप दिखा दी है लेकिन सबका इंट्रो करवाएंगे, सबकी कोई ना कोई स्टोरी भी होगी और ब्रीड भी आप लोगों ने बतानी है कौन कौन सी आपके पास। सबसे पहले बताइए जी, आपके पास तोते कौन कौन से हैं और हाथ में पकड़ के बताएंगे ज़रा थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो भाई मेरे पास ये कश्मीरी रहा है जो कि बच्चा ही पाला हुआ है मैंने, बिल्कुल 3 से 4 दिन का बच्चा था ये। उसके बाद मेरे पास ये है काठा जिसे कहते हैं, ठीक है। इसकी उम्र अभी तक कम से कम 16 से 17 साल है। 16 से 17 साल का? हाँ जी। दिखने में तो वैसे ये एक जैसे हैं लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? ये इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। इसका तो बोलते दोनों ही हैं? दोनों ही बातें करते हैं, सारी बातें करते हैं। हाँ जी। और ये कोकटल है, ये भी बच्चा ही पाला हुआ मैंने। कोकटेल का तो मुझे पता है, ये हमारे डॉक्टर साहब जो थे वो लेके आए थे, लेकिन ये हमने फराज भाई को दिया था पालने के लिए। माशाल्लाह से कितने महीने का हो गया ये? हो गया 7 से 8 माह का हो गया तकरीबन। 7 से 8 माह का हो गया माशाल्लाह से। ये एग्जा भी जितना ही है तकरीबन। और माशाल्लाह से ये बहुत क्यूट है। अच्छा, इसमें बताएंगे आपका फेवरेट कौन सा होता है? फेवरेट मेरा यही है, ये शैतान जो फिर रहा है इस टाइम। वो जो 16 साल से पाला है उसकी कोई अहमियत नहीं है? नहीं, वो पुराना हो गया। और ये जो नया नया ना आ रहा है इसका, ये इसके साथ इतनी नहीं है मगर ये है कि बस अब पेट है अपने घर में और कुछ भी नहीं, बस सबको पालते हैं, शौक है एक जानवर परिंदों का, जानवरों का सबका। इसके अलावा और कोई तोते रखने के बारे में नहीं सोचा आपने? नहीं, इतना जो परिंदों का इतना क्रेज नहीं है, तोतों का खास तौर पे। हाँ, असील मुर्गे और उसका कुत्तों का काफ़ी क्रेज है। चलें जी, अब हम जरा असील मुर्गे देख लें इसके बाद। जी चलें, असील मुर्गों की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो फराज भाई ये आ गया आपका मुर्गा, मुझे बताएं कि ये कौन सा मुर्गा है, इसकी खासियत क्या है और इसमें ऐसी क्या खासियत है कि इसको पका के खाया ना जाए? यही खासियत है कि ये बोलने नहीं दे रहा। अच्छा भाई, इसकी मेन खासियत ये है कि एक तो ये लॉन्ग हाइट में है, ठीक है। दूसरी खासियत ये है कि ये एक जो भाई शौकीन है जो देखेंगे वीडियो उन्हें पता है कि लाखा मुर्गा बहुत चला था मियाँ वाली का, ठीक है। ये पीलों में लाख है जो बहुत नायाब नस्ल होती है, पीलों में लाख है क्योंकि इसकी हाइट भी अच्छी है। और इसकी बड़ी बात यह है जो फाइट का शौकीन रखते हैं ये दोनों पाँव एक साथ मारते हैं, यानी कि दोनों कंडे एक साथ मारता है आँख पे। तो इसकी कीमत क्या होगी? इसकी कम से कम कीमत अगर आप देखें, अभी साल का नहीं हुआ प्रॉपर, अभी 12 महीने तकरीबन 11 माह का होने हो गया या तकरीबन, अभी इसकी कीमत कम से कम 25 के करीब है। ठीक हो गया। अभी इसकी मैंने ब्रीड वगैरह नहीं ली, अभी बिल्कुल फ्रेश है। और इसका बच्चा कितने का बिकेगा? इसका ये शामुओं में नहीं आता, ये पाकिस्तानियों में एक्सपेंसिव नस्ल है ये, ठीक है। तो अगर हम इसका बच्चा भी ये दूर के रिलेटिव के आ रहे, मगर ये इसे हम पाकिस्तानी में कहेंगे प्योर पाकिस्तानी मुर्गा जो ओल्ड ब्रीड है। चलिए ये दूसरा मुर्गा देखते हैं। तो फराज भाई ये दूसरा मुर्गा है, इसकी नस्ल बताएं, इसकी खासियत बताएं। भाईजान ये वो नस्ल है जो मेरे उस्तादों ने भी इसे कहा हुआ है कि ये अपने आप में एक एटम बॉम्ब है। ये एक तो ये ब्रीड बहुत रेयर है इस टाइम पाकिस्तान में, कि बहुत कम है। इसे कहते हैं काला लाखा, काला
ये ब्लैक कलर में लख है। मुझे ज्यादातर शौक पाकिस्तानी ब्रीड का और लाखों का ब्रीड, मुझे लाखों का शौक है क्योंकि ये फाइट अच्छी करते हैं, ब्रीड अच्छी निकालते हैं। तो और ये कितने है, क्या प्राइस है इसकी? ये 50 के करीब है इस टाइम। इस टाइम अभी तो इसकी खूबसूरती सारी खत्म हुई हुई है, आप जरा इसे क्लोज करेंगे तो देखेंगे कि सारे ना बाल नहीं आ रहे हैं, यहाँ से भी टेल भी नहीं, ये तो पूरा मोड़ है। ये तो पूरा बिल्कुल ऐसे जैसे आपने एक छोटा मोड़ रखा हुआ है घर में, और फाइट के लिहाज से ये बहुत तेज है, इसकी स्पीड बहुत है, फाइट में बहुत तेज स्पीड है। वो मुर्गी है, मुर्गी की तरफ चलते हैं दूसरी। भाई जान ये मुर्गियों में अपने मिसाल आप है असील में, ये लसानी प्योर है। अच्छा जी। प्योर लसानी मुर्गी है ये तो अब रेयर ही बहुत हो गई हुई है, देखने वाले यही कहेंगे कि वाकई कोई चीज रखी हुई है किसी ने। ये भाई इसका आज फर्स्ट क्रॉस हुआ है, ये आज हो गई है 11 माह की, ये भी आज पहली बार क्रॉस हुई है। भैया आप ये देख लें कि इजीली एक बंदा ने इसे सेल करके 22,000 रुपये अपने 5 महीने का किराया दे सकता है घर का, 15-20 हज़ार की ये मुर्गी है इस टाइम। इसके बच्चे होंगे जो वो होंगे तकरीबन 8-9 हज़ार के। चलें जी, ये बच्चे आएंगे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो उनके पास है एग्जा लेबरा जी फीमेल, उसके पास चलते हैं, उसको जाके देखते हैं उसकी क्या खासियत है, कैसी है वो। तो ये जो फीमेल है लेबरा फीमेल, शायद आप लोगों को याद हो जो मुझे पिछले चैनल से फॉलो कर रहे हैं, कि हमने एक डॉग का सी सेक्शन किया था फीमेल का, और उनमें से तीन बच्चे, तीन ही थे और तीनों माशाल्लाह सर्वाइव किए थे। ये उनमें से एक है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हेल्दी है, इसको ज़रा चला फिरा के दिखाएँगे फ्राज भाई, माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं। अभी ये फ्राज भाई बताएँगे बाकी डिटेल कि इसकी एज क्या है और क्या कब हीट पर आएगी और क्या मूव है। जी भाई जान, ये अभी 9 मंथ की हो गई है, तो ये हीट पे आने वाली है, अभी कुछ ही देर में, ये कुछ ही अरसे में हीट पे आ जाएगी है। बाकी जो इसकी नेक्स्ट हीट पे जब ये आएगी उसके फिर इसे क्रॉस करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला ब्रीड लेंगे, क्योंकि अभी तो ये पपी एज में है, और बस इंशाल्लाह ताला जल्दी इसके बेबी, इसके लीटर जब होंगे तो फिर बताएंगे आपको, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फराज भाई, आपने टाइम दिया, आपने एनिमल दिखाए। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, अगर आप लोगों को पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, अगर आप लोग इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं, जिस तरह की भी देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और लाजमी लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह।